अभिनेत्री काजल पिसल ने बताया कोविड का डर, फैन से कहा कोरोना को हल्के में न लें। मैंने मौत देखी, पूरी दुनिया इस समय कोरोना से परेशान है, भारत में भी हर दिन लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इसकी चपेट में नेता से लेकर अभिनेता तक आ चुके हैं। कई सेलेब्स कोरोना से संक्रमित हैं। टीवी शो नागिन में नजर आई अभिनेत्री काजल पिसल इस वक्त बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही हैं। हाल ही वह कोरोना की चपेट में आ गई थीं, जिसके बाद उनकी हालत खराब होती चली गई। एक इंटरव्यू के दौरान काजल ने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हूँ। शुरुआत में जब मुझे कोरोना का संक्रमण हुआ तो मैं ठीक थी। मेरे डॉक्टर ने बताया कि मुझे पूरे एक महीने आराम करना होगा। मेरे दोस्तों और परिवार के लोगों ने भी कहा मैं एक हफ्ते या फिर 14 दिन में नॉर्मल हो जाऊंगी, लेकिन समय के साथ मैं परेशान हो रही हूं। अभिनेत्री ने आगे बताया कि कोरोना के बाद मुझे वर्टिगो हो गया और मैंने अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल खो दिया। मुझे भयानक चक्कर महसूस होने लगे, मेरे शरीर से मेरा कंट्रोल छूट रहा था। ये बहुत डरावना था। हालांकि अब मैं ठीक हो रही हूँ, पर अभी भी बहुत कमजोरी है। इस दौरान मैंने मौत को सामने से देखा है। काजल पिसल अभी अपने परिवार से दूर हैं। वो आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार को काफी मिस कर रही हैं। काजल ने कहा कि पति और बेटी से दूर होकर वे दुखी हैं और डर भी लग रहा है, पर उससे ज्यादा डर उनके पास जाने से लग रहा है। अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें डर है कि वो ठीक होने के बाद भी पति और बेटी से मिलने की हिम्मत कैसे जुटाएंगी।